आज से शुरू होगा। आपको बता दें कि 75 घंटे का धरना प्रदर्शन आज से शुरू होगा। मंत्री टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन होगा। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान धरना देंगे, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य प्रांतों से जुड़े तमाम किसान पहुंचेंगे और अपनी बातों को लेकर धरना देंगे। तो जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग इसमें की जाएगी। और शारिक जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। शारिक, और क्या अपडेट है, कहां कहां से किसान पहुंचेंगे, कितनी बड़ी तैयारियां और क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले आज अभी से 75 घंटे का ये धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जिसमें मुख्य तौर पर राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए दर्शन पालकी वो भी शामिल हो रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर 75 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसको लेकर तमाम सारे किसान जुटना शुरू हो गए हैं। चाहे बात पंजाब की जाए, हरियाणा की जाए या यूपी के अलग अलग इलाकों से की जाए, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किसान अगले 75 घंटे तक जुटे रहेंगे। और सबसे बड़ी मांग उनकी जो 8 मुख्य मांगे हैं, उनमें से जो प्रमुख मांगे 2 दिखाई पड़ रही हैं, वो केंद्रीय मंत्री टेनी की बर्खास्तगी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की है। इसके अलावा जो तिकुनिया हिंसा मामले को लेकर जेल में जो बंद किसान हैं 4, उनकी रिहाई की भी यहाँ पर मांग जोर पकड़ रही है। इस तमाम इसको लेकर तैयारियाँ जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वो पिछले काफ़ी दिनों से की जा रही थी, और अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो है ये धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और जो अगले 75 घंटे तक जारी रहेगा। तो तमाम सारे सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, चूँकि ये राजापुर मंडी समिति में हो रहा है, तो उसको लेकर तमाम सारे जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। स्वाति, बिल्कुल शारिक, हमने देखा इससे पहले किसान मोर्चा बहुत इस वक्त गंभीर नजर आ रहा है, सरकार पर लगातार हमलावर है। हमने देखा इससे पहले तमाम प्रदर्शन किए गए, मारे गए किसानों के खिलाफ उन्होंने फोटोज लगाए, पोस्टर्स लगाए, इसको लेकर काफी सवाल पूछे। देखिए, 3 अक्टूबर को पिछले साल जिस तरह से पूरा हिंसा हम लोग को देखने को मिले थे सुमरिया इलाके में, उसके बाद से संयुक्त किसान मोर्चा पूरे इस मामले की बैटरी में लगा हुआ था, और अभी भी जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी मांग यही कर रहा था कि जो जिस तरह से टेनी के पुत्र पर केस दर्ज किया गया था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही थी, और अब ये गिरफ्तारी की मांग फिर से तेज़ी से पकड़ चुकी है। और लगातार जिस तरह से किसान पिछले साल से लेकर अब तक लगभग साल भर हुआ जा रहा है, यही मांग दोहराते चले आ रहे हैं। और अब ये चूंकि ये 75 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मुख्य तौर पर यही मांग फिर से जोर पकड़ने वाली है किसानों की तरफ से कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और इस मामले में क्योंकि वो 120 बी के मुलजिम हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी बैठक आयोजित कर रहा है, और इस बैठक के साथ साथ जो धरना प्रदर्शन होगा तमाम सारे किसान नेता जुटेंगे। तो यही पुरजोर से जो तरीके से ये मांग उठाई जा रही है कि जो मंत्री है उनको बर्खास्त किया जाए और 4 किसान जेल में बंद है उनकी फौरन रिहाई की जाए। स्वाति, बिल्कुल शारिक, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात करेंगे यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की, जिन्होंने गरीबों के लिए मान्यवर काशीराम आवास